ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलो अब सगाई का समय हो रहा है, वो अंगूठिया और बाकी सब ले आओ जल्दी जल्दी। पूरी लाइफ है, करियर है, अगर अभी को पता चल गया तो नहीं, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी, किसी को भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे खुद को बचाना ही होगा। ये छिपकली इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही है, इसको क्या टेंशन है? चलो सगाई का समय हो गया, अंगूठिया ले आओ जल्दी कायरा। कायरा अब वक्त आ गया। चलो फिर मिमी। हाँ एक मिनट रुकिए आप लोग। क्या हुआ कायरव? आप लोगों से एक बात कहनी है। क्या? वो अभी मन्नू अक्षरा और मंजरी आंटी ने जो रिंग आज के लिए चूज की थी वो रिंग कहीं खो गई है। क्या मजाक है ये? ये मजाक नहीं सच है ताऊजी, रिंग मुझसे खो गई। अरे तो वो जो प्लेट में है वो क्या है? ये उसकी सेम कॉपी बनवाई है, ये वो रिंग है जो तुम लोगों ने चूज की थी। I'm sorry अभिमन्यु, I'm sorry अक्षु, पता नहीं ये मुझसे कैसे हो गया। I'm really sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या होगा, उस सबसे रिंग तो वापस नहीं आ जाएगी ना। आई मीन रियली ये लापरवाही की हद हो गई। और आप लोग वो दिन भर थू 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 करते हैं ना, मेरा बेटा वैसे ही दिन भर अक्षु अक्षु करके आपकी बिटिया का ख्याल रखता है, और आप लोग इन दोनों की सगाई की अंगूठी का भी ख्याल नहीं रख पाए। सर शांत हो जाइए सर, इतने इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी मुझे तुम दोनों से। इतनी बड़ी बात हो गई और हमें से किसी को बताया तक नहीं, किस चीज का इंतजार कर रहे थे अब तक? बड़े पापा भैया ने सोचा होगा कि सबको बताएंगे तो सब खामखा परेशान हो जाएंगे, इसलिए नहीं बताया होगा। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया ना। हाँ बड़े पापा, मतलब जो हो गया वो हो गया, अब रिंग्स हैं, हम लोग इन्हीं रिंग्स के साथ एंगेजमेंट कर लेते हैं। नहीं अभिमन्यु, इनकी गलती पे पर्दा मत डालो, दिस इज रॉन्ग। तुम दोनों के लिए दिन कितना बड़ा है। बड़े पापा इन लोगों ने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया ना, अब जो हो गया वो हो गया, उसके लिए हम हमारे एंगेजमेंट को क्यों खराब करें? अरे पर मंजरी ने तुम दोनों के साथ मिलके इतने चाव से वो अंगूठियां सिलेक्ट की थी, अब उसके सारे अरमान तो बर्बाद हो गए ना। ताई जी कुछ बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन अगर हम ऐसे ही बात करते रहे ना तो डिले जरूर हो जाएंगी। मिम्मी प्लीज समझाइए ना सबको। हाँ हाँ जो करना है जल्दी करो, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। लेकिन वंश वो अंगूठी खोई कैसे है तुमने? एजी सुबह जब मैं कार से निकला तो अचानक से कार खराब हो गई और मुझे कैब लेनी पड़ी, मेरे पास इतना सारा सामान था कि मैं संभाल ही नहीं पाया, शायद इसी वजह से पता नहीं कैसे वो रिंग वही रह गई। लेकिन उस कैब का नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? मैंने कैब ऐसी रोड साइड से पकड़ी थी इसलिए मुझे नंबर भी नहीं है। माल करते हो यार। यही है ना? पर आपके पास ये रिंग्स कैसे? इसे भी तकदीर का ही खेल समझो। ऐसे ही पहले तकदीर ने हम दोनों को मिलाया था और देखो ने आज फिर से मिला दिया। मेरा इस फंक्शन में आना और कुछ नहीं, बस किस्मत का ही खेल था। अब देखो ने जो टैक्सी अनुज और मैंने स्टेशन से ली वही टैक्सी में वंश बैठा था पहले। ये अंगूठी कब
कहां वंड से गिर गई उसे पता नहीं चला, और ये पोटली मेरे बैग में कहां से आ गई मुझे पता नहीं चला, और फिर मेरी टैक्सी तुम्हारे घर के सामने आकर ही पिंचर हो गई। कान्हा जी चाहते थे कि मैं इन अंगूठियों को लेकर यहाँ आऊं और तुम दोनों की सगाई पूरी करवाऊं। चलो, अंत भला तो सब भला, भगवान ने सब ठीक कर दिया। बिल्कुल अनुपमा जी, थैंक यू, आपने सब ठीक कर दिया। मुझे थैंक यू मत कहो, थैंक यू कहो कान्हा जी को, जो भी किया है उन्होंने किया है, और अब गणपति बप्पा का नाम लेके चलो सगाई शुरू करो। बस इसका उल्टा लटकना ही बाकी था, वरना बंदर तो ये कब का बन चुका है अक्षु के चक्कर में। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जानिए क्या कहलाता है।